Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to solve our remaining exercise 11.3. Okay? So, उसमें से first और second question हमने देखा था. So, आज हम क्या करेंगे? Third question solve करेंगे. ठीक है? Third और fourth जितना होगा उतना. Okay? So, find the total duration for the following activities. Activities दी है हमें यहाँ पे starting time दिया है और finishing time दिया है ना? So, हमें total time duration निकालना है, मतलब वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है ना. सपोज आपने कोई भी एक्टिविटी 3 बजे स्टार्ट की, सुबह 3 बजे स्टार्ट की और 10 बजे ख़त्म कर दी, उसका स्टार्टिंग टाइम 3 है और फिनिशिंग टाइम 10 है, ऐसा मानो, है ना. और अगर आपको पूछा गया कि आपने कितने घंटे एक्टिविटीज़ की, तो आप क्या करोगे? यस, बराबर बोल दोगे, है ना, कि हमने 3 बजे स्टार्ट की थी और 10 बजे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना, ऐसा आप बोल दोगे. तो कितने घंटे आप कैसे निकालोगे? जो आपका फिनिशिंग टाइम होगा उसमें से क्या करोगे, स्टार्टिंग टाइम माइनस करोगे और उतने घंटे आपकी एक्टिविटी चली है ये आपको पता चल जाएगा, है ना. सो इसमें भी वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, स्टार्टिंग टाइम दिया है, फिनिशिंग टाइम दिया है, कब स्टार्ट हुआ है, कब फिनिश हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कितने घंटे वो चला है, उसका ड्यूरेशन कितना है. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन निकालना कैसा है, अगर आपने फिनिशिंग टाइम, जो टाइम पे ख़त्म हो रहा है वो टाइम में से अगर स्टार्टिंग टाइम, जो टाइम पे शुरू हो रहा है वो माइनस किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3. उसमें से जो ए वाला है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले तो आपको प्रॉपरली ऐसे बॉक्सेस कर लेने हैं. सो आवर्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम माइनस करेंगे. सो फिनिशिंग टाइम क्या है, 10:15 मीन्स आप कैसे लिखोगे, 10 hours 15 minutes. ओके, और स्टार्टिंग टाइम क्या है, 3:20, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, 3 hours 20 minutes. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम माइनस करना है, फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम आपको माइनस करना है, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा. ओके, कितने टाइम वो एक्टिविटी चली है, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो अब देखो 15 मिनट्स में से 20 मिनट्स माइनस होंगे क्या, नहीं होंगे, तो हम क्या कर लेंगे, 1 hour इधर बोरो कर लेंगे मिनट्स में. ओके, सो यहाँ पे 10 आवर्स है, ये कट कर लेना है, 1 hour इधर हम बोरो करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कितने आवर्स बचेंगे, 9 hours. ओके, सो 1 hour मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, 60 minutes. ओके, सो 60 minutes प्लस ये 15 minutes, ऐसे रीग्रुपिंग करके कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके, 75 minutes. ओके, सो ये 15 minutes हमने ऊपर ले लिया यहाँ पे, है ना, 60 के साथ ऐड कर लिया. 75 minutes में से अब आप 20 minutes माइनस कर सकते हो. सो 75 minus 20, हाउ मच इज लेफ्ट, 55. सो 55 minutes. ओके, और इधर आवर आवर्स का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, 9 minus 3 6. सो आवर आंसर इज 6 hours 55 minutes. ओके, इतने घंटे वो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो एक्टिविटी चली है. ओके, अब देखो सेकेंड एग्जांपल देखो, उसमें से बी स्टार्टिंग टाइम दिया है, फिनिशिंग टाइम दिया है, आपको क्या करना है, फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम माइनस करना है, मतलब आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है. सो 11 hours 34 minutes और स्टार्टिंग टाइम क्या दिया है, 4:26, मतलब 4 hours 26 minutes PM दिया है. यहाँ पे फर्स्ट में AM दिया तो AM में आंसर आएगा, यहाँ पे PM में है दोनों टाइम. ओके, सो PM में लिख दो. सो फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम आपको माइनस करना है. सो 34 minutes minus 26 minutes, हाउ मच इज लेफ्ट, 8 minutes. एन आवर आवर 11 minus 4 7. ओके, सो 7 hours 8 minutes की एक्टिविटी है वो, या 7. देन देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यहाँ पे देखो अब तक हमने क्या किया स्टूडेंट, अब तक हमने टाइम के बारे में देखा, स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम, टाइम ड्यूरेशन, है ना, डायरेक्ट माइनस वगैरह करके हम निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, डेट निकालनी है, डेट्स और डे, है ना. टाइम का सिंपल था, डेट्स और डे का भी सिंपल है, लेकिन आपको कंसेप्ट प्रॉपरली माइंड में आपके फिट कर लेनी है कि कैसे निकालना है. ओके, और कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं, ये आपका लर्न होना चाहिए, लीप ईयर मींस के ये आपका लर्न होना चाहिए, है ना, तो आपको ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है, अब देखो फर्स्ट फिनिशिंग डेट दी है 15 अगस्त, टाइम ड्यूरेशन दिया है 11 days. निकालना क्या है हमें, स्टार्टिंग डेट निकालनी, फाइंड द स्टार्टिंग डेट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कंसिडरिंग द ईयर हैज़ 365 days का ये ईयर है,
ओके, ये हमें कंसिडर करना है। 366 का रहा तो लीप ईयर होता है, 365 डेज का जब ईयर होता है तो फेब्रुआरी में कितने डेज आते हैं, 28 डेज, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर फेब्रुआरी मंथ का आया तो निकालना है स्टार्टिंग डेट, फिनिशिंग डेट दी है 15 अगस्त, तो आपको पहले लिखनी है फिनिशिंग डेट। एक्टिविटी कब फिनिश हुई है, 15 अगस्त को ये एक्टिविटी फिनिश हुई है, ओके। और टाइम ड्यूरेशन दिया है 11 डेज का, टाइम ड्यूरेशन दिया है 11 डेज, ओके। सो निकालना है हमें स्टार्टिंग डेट कि कौन से तारीख को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग डेट आप निकालोगे तो कैसे निकालना है, देखो आपको क्या करना है, फिनिशिंग डेट में से टाइम ड्यूरेशन माइनस करना है, तो 15 अगस्त को वो फिनिश हुई है तो टाइम ड्यूरेशन 11 दिया है, तो 11 डेज आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ पे आपको 10 ही डेज माइनस करना है, वन डे कम कर लेना है हर बार। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 15 अगस्त भी यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, अगर 15 में से आप 11 माइनस करते हो तो वन डे वो आगे चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हर बार जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें से एक डे आपको कम कर लेना है, 15 अगस्त हमने इंक्लूड किया है इसलिए, ओके। 15 में से हम ये 11 डेज माइनस कर रहे हैं ना, तो 15 अगस्त उसमें आना चाहिए इसलिए। सो 15 माइनस 10 कितना हुआ, 5, तो टाइम ड्यूरेशन क्या आएगा, 5 डेज, सॉरी टाइम ड्यूरेशन नहीं, स्टार्टिंग डेट क्या है उसकी, 5th, मंथ है अगस्त, तो स्टार्टिंग डेट आएगी 5th अगस्त, ओके। क्या आएगी स्टार्टिंग डेट, 5th अगस्त, 15 अगस्त को एक्टिविटी फिनिश हुई है और 11 डेज वो चली, तो उसमें से हमें फिनिशिंग डेट में से टाइम ड्यूरेशन डेज माइनस करने हैं, लेकिन वन डे आपको कम कर लेना है, क्यों, क्योंकि जो हम फिनिशिंग डेट होती है वो पकड़ते हैं माइनस करने के लिए, है ना, तो वो भी इंक्लूड हो जाती है इसलिए उसमें इसलिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट बी वाला क्या है, फिनिशिंग डेट दी है यहाँ पे 2nd मार्च, 2nd मार्च क्या है, फिनिशिंग डेट है, ओके। और टाइम ड्यूरेशन दिया है 22 डेज, 22 डेज का ये आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है 22 डेज का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है ना। सो आप बोलोगे टीचर आपने तो बोल दिया फिनिशिंग डेट में से टाइम माइनस करना है, तो 2 डेज में से 2nd मार्च में से 22 कैसे माइनस होंगे, तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाला मंथ देखना है, ओके। सो मार्च के पहले क्या आता है, फेब, मार्च के पहला मंथ आता है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में टोटल डेज कितने होते हैं, लीप ईयर नहीं है, ये हमें पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है ना, 28 डेज होते हैं, तो वो आपको पकड़ लेने हैं उसके पहले वाले मंथ के, ओके। सो 28 डेज फेब्रुअरी के पकड़ लेने हैं और 2 डेज मार्च के पकड़ लेने हैं, ओके, 2 डेज मार्च, सो टोटल डेज हो गए अभी 30 हमारे पास, ओके, 30 डेज हो गए, तो हम अब क्या करेंगे, 30 में से स्टार्टिंग डेट निकालने के लिए, स्टार्टिंग डेट निकालने के लिए हम 30 में से 22 डेज माइनस करेंगे, तो 22 डेज माइनस करोगे क्या आप, नहीं, 21 करने हैं, क्यों करने हैं ऐसे, क्योंकि हम ये जो डेट है 2nd मार्च वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए, सो 30 में से 21 अगर गए तो कितने बचेंगे, 9, ओके। सो 9th डेट को ये एक्टिविटी क्या हुई है, स्टार्ट हुई, तो मंथ कौन सा होगा, 2nd मार्च को अगर वो फिनिश हो गई है तो फेब में भी स्टार्ट हुई होगी, है ना। सो 9th फेब को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई और बाद में वो 22 डेज चली है और कौन से डेट को ख़त्म हुई है, 2nd मार्च को, ओके। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। देन नेक्स्ट वाला देखो, सी वाला, ए बी हो गया, देन सी वाला है फिनिशिंग डेट है 14 नवंबर और टाइम ड्यूरेशन है 40 डेज। सो फिनिशिंग डेट 14 नवंबर है और टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है, टाइम ड्यूरेशन है 40 डेज का, तो 14 डेज में से 40 तो माइनस नहीं होंगे, है ना, तो क्या करना है, 14 नवंबर के, नवंबर के पहले कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर, ओके। सो आपको अक्टूबर के डेज पकड़ने, फुल डेज पकड़ लो, अक्टूबर मंथ में कितने डेज आते हैं उसमें वो ऐड कर लो, सो अक्टूबर में आते हैं 31 डेज, ओके। सो ये आपका फिनिशिंग डेट आप कर लो, मतलब फिनिशिंग डेट के डेज कर लो, सो 31 प्लस 14 कितने होंगे, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4, सो 45 डेज हो जाएंगे। सो अब आप 45 में से 40 डेज माइनस कर सकते हो स्टार्टिंग डेट निकालने के लिए, है ना।
सो इसके स्टार्टिंग डेट में ये 45 में से 40 डेज आप माइनस करते हो. सो 45 में से 40 डेज आपको माइनस करने क्या नहीं, वन डे आपको कम कर लेना है. क्यों? क्योंकि हम 14 नवंबर डेट भी इसमें, फिनिशिंग डेट भी इसमें इंक्लूड होती है इसलिए. सो 39 आपको माइनस करने हैं. ओके, सो 45 माइनस 39 6, तो इसकी डेट आएगी 6 नवंबर, है ना. सॉरी, इसकी डेट आएगी 6 अक्टूबर. नवंबर 14 नवंबर को एक्टिविटी फिनिश हो रही है ना, मतलब स्टार्ट वो अक्टूबर में हुई है. हमने अक्टूबर के डेज क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं इसमें बाकी की आंसर निकालने के लिए, है ना. सो 40 डेज वो एक्टिविटी चली है, तो 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुई, उसके बाद 40 डेज चली है और 14 नवंबर को क्या हुई है, ख़त्म हुई. ओके, सो आज आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो पहले मैंने करके दिए वो पहले मेरे वाले लिख लो, बाद में आपको ये सी डी करना है इसमें से, और इसमें से सिर्फ डी वाला करना है, ठीक है. फिनिशिंग डेट में से ये 35 डेज आपको माइनस करने हैं. तो ये मे है, तो इसमें आप मे के पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल. सो अप्रैल के डेज ऐड करो. अप्रैल कितने का होता है, 30 प्लस 20 50 50, में से आप 34 डेज यहाँ पे माइनस कर लो, वन डे कम करते हैं, है ना, इसलिए. चलो, और इसके आंसर्स मुझे ग्रुप पे सेंड करो. ओके, बाय.